वेलकम टू माय चैनल पूरा नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे पॉइंटर का, जीएस पॉइंटर का पर्यावरण पारिस्थिति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम आपके सामने लाते हैं। तो रिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं पॉइंटर, लेकिन चैनल प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला है सतत विकास लक्ष्य 2017, मतलब ये 2017 का है, तो 2017 का अभी 121वां रैंक है इस SDG गोल में 2023 के अनुसार। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी 2010 में। और पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे, जन पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को उस समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधी होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाएँ एवं उनके साथ साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार है। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, उसमें गरीबी को कम करना नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण पारित हुआ था 1986 में। पर्यावरण बनता है जैविक जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा जैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य वह नियंत्रण के रूप में। अगला है धाड़ी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। फिर है किसी की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाए, उसे धाड़ी विकास कहते हैं। वर्ष 2002 में जॉन्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है कि वे कुल हैं 17, और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, और देश में प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए गए हैं वन जल तथा खनिज। वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं वे कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। उसके बाद है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। नीरी का कार्य करता है, क्या कार्य करता है, वो करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था रियो में, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का नाम है एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर बियॉन्ड। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण, नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03 इत्यादि गैसें पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं तो वह तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वह कार्य जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं वह वायु प्रदूषण का कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है वह है वायु का प्रदूषण। वो प्रदूषण नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की जुड़ती है श्वसन जैव पदार्थों का अपचय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट तथा हीरा के रूप में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। अपचय का विस्तार संबंधित एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। उसके बाद है विश्व में मौसम विज्ञान का संगठन मुख्यालय कहाँ है मौसम विज्ञान का, तो वह है जेनेवा में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है, और UNEP की स्थापना हुई थी 1972 में।
और UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं, तो अभी जो हैं कौन है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो बता देंगे। EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 को। NEASA है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 में दिया गया था इको प्रमाण पत्र। उसके बाद पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था इको मार्क। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है पृथ्वी का भूमिका इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता छूट बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-15 से भारत में, और भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने के लिए राज्य है पंजाब। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का वही सूचकांक है का सही सूचकांक है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, तो दोनों सही हैं और कथन कारण की पुष्टि भी करता है। नागरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं क्योंकि संतुलन विकास के लिए पर्यावरण पारिस्थिति के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए सब हानिकारक हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ हुआ है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं, तो अभी चेंज हैं तो उसको अभी का देखिए। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। हरित विकास की पुस्तक लेखक हैं WM एडम्स। और आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन होता है धारणी विकास पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। Rio+20 धारणी विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन हुआ था 1997 में। और तो उस टाइम का 23-27 जून 1997 की मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था Rio+5, तो ये नाम से जाना जाता है। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक अर्थविदों और सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली ऐसी चुनौती के ये समाधान हेतु सुझाव देती है उसे क्लब ऑफ रोम कहाँ? क्लब ऑफ रोम में। आज समिट या शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजन किया गया, और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणी विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। तो कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। मूल रोम से मृदा में चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पर्यावरण आकर्षण से अभिप्राय है पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। उसके बाद में पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन और पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986 औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति ठीक है। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचा के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है वह करता है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 के दौरान। UNFCCC के तहत अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश के लिए उपलब्ध कराना मतलब अल्पविकसित देशों को अल्पविकसित देश के लिए उपलब्ध कराना होता है GEF। विशेष जलवायु परिवर्तन नीति द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना हुई थी COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। वर्तमान में GEF के जो है आप देख लीजिएगा पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था स्थित है केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को जिस नाम से जाना जाता है उसे छाता अधिनियम कहते हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे शब्द हैं रखे जाएंगे वह अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब कैस्कैन ने ग्रीन टैक्स 2009 स्कोर के तहत
भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी और विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है वह मिश्र सस्य कार्बनिक खाद्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधी सस्य किस्में। अगला है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है मोसानोवो फुकुगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। अब है पारिस्थितिकी, तो ठीक है, तो 10% नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम में जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र भूदृश्य और स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादक। उसके बाद परपोषी स्तर के उत्पादक को कहा जाता है द्वितीय उत्पादक। और एक पारिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा की मात्रा एवं पोषक स्तर से अन्य स्तर पर स्थानांतरण प्रक्रिया घटती है। कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इससे संभावित परिणाम हो सकते हैं कि वे कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके कारण बर्रों मकड़ियों पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच में और जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी कहलाती है। अन्य शेकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था ओइकोलॉजी के नाम से। जीवधारियों के कार्बन और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ये बताया था अन्य शेकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी 1935 में एजी टंसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसोनेशिस तथा माइक्रोस्कॉस में कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने बताया। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान पर इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्यशील इकाई इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, ये एक बंद तंत्र होता है। पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण में जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण उपस्थित जैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र का। कृत्रिम पारितंत्र है खेत, कृत्रिम पारितंत्र खेत धान का खेत हो सकता है। घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारितंत्र के। पारिस्थितिकी तंत्र के झील नदी तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता को कहते हैं जैविक विभव। और एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिखा स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है उसे पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। और पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैवमंडल भंडार। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन। वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वह वृक्ष काटना। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है सर्वाहारी को। और पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीव संगठन नहीं है वह वायु। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा है सौर ऊर्जा है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव उपघटक जीव कहलाते हैं वह खपत जीव और जीवाणु। उपघटन से जीव कह होते हैं जो अपचय या सड़न की प्रक्रिया को तेजी से करते हैं जिसमें वह पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का, ठीक है। और निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं अपघटक। और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद जीवाणु गोल कृमि प्रोटोजोआ केचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों की। और प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी और प्राणी। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों ही श्रेणी में आती हैं चींटी। और वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता।
खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है। समुद्री वातावरण को प्रमुख में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र में। और पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है हरित पादप। पौधे हरे रंग के लवण की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण। और है जैविक घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र संबंधित है हरे पौधे। एक घास स्थली पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है घास टिड्डा मेढक सर्प। तो प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता मेढक जो द्वितीयक है सर्प जो तृतीयक है। और यहाँ पर है ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य कहते हैं। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास बकरी मानव। और जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह तालाब। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के चित्र रेखा चित्रीय निरूपण कहते हैं जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद एक जीव उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा सांप में। जब कुछ प्रदूषण आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते ही जाते हैं और कुछ ऊतकों में जमा हो जाते हैं इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन। DDT जैसे प्रदूषक होते हैं जैव निम्नीकरण। और पारिस्थितिक मित्र नहीं है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण घोषित किया है पर्यावरण का शत्रु। वृक्ष को जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वह यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब एवं दलदल। जिस जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं उनके उदाहरण है अर्द्रभूमि तालाब झील जलाशय। बहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। सबसे स्थायी पारितंत्र तंत्र है समुद्र। और पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। और जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। पारिस्थितिकी स्थायी मितवेयता यह जिस आंदोलन का नारा है वह चिपको आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। और चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिक तंत्र संबंधित प्रमुख कथन है पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने टेंसले ने किया था। और सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों जंतुओं और जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही हुआ मैंग्रोव घास झील महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता होती है अधिक। और है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्दर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है पोषित। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की श्रृंखला में होता है जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैव मंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है। यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता को शाकाहारी द्वारा संगीकृत हो पाता है वह 10%। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट नेस ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनले ने। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों तथा जल ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। फिर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू हुआ था। जनजाति एवं पारस्परिक वन निवासियों के लिए अधिनियम 2006 में आया था जनजाति और पर्यावरण के लिए। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है व्यवस्था समर्थन नियंत्रण संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो एक समर्थन सेवा है पोषक चक्र और फसल चरागर है
एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पहले डायटम होता है जिससे शोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता होता है, फिर हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता होता है, मतलब डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। जैव खनिकी के संबंध में सही है तो ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का शब्द का तात्पर्य जीव जीव जीवन से है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नॉमस से उत्पन्न है जिसका अर्थ है नियम। बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिकनोलाइन, और किसी जल निकाय में लवणता प्रदर्शित को प्रदर्शित करता है हेक्लोराइन, और जल को और लवणता को हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है थर्मोक्लाइन, और परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उपरा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं पोषकों को सतह पर लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से गर्मी परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है समुद्री उत्प्रवाह द्वारा। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह जल की सीमाओं एवं आग के कारण। अगला है भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है नग्नीकरण प्रवास स्थापन प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न जातियों का अध्ययन किया गया था सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी क्लीमेंट ने। वह पारिस्थितिकी वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह जिसके दूसरे समूह द्वारा स्थापित हो जाते हैं तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। वे जैविक विविधता तो राष्ट्रीय उद्यान में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं का व्यापार खतरा में ना हो, ये प्रकृति के संरक्षण के लिए है। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में की गई थी। रणनीति गठबंधन है WWF और IUCN का। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि पर्यावरण में विभिन्न जनजातियों की श्रेणी के अनुसार, ठीक है, जैविक अल्फा बीटा गामा नामक श्रेणी में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 में किया गया था विटेकर के द्वारा। जैविक विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन और अनुवांशिक जाति समुदाय व पारिस्थितिकी पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है जैव विविधता। और यह जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों की प्राकृतिक आवास की क्रिया कमी और पर्यावरण प्रदूषण वनों का नाश। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक आवास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है जो कि खेती का वैज्ञानिक तरीका है वह झूम खेती। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है पूर्वी हिमालय, और भारत में जैव विविधता के ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि पाए जाते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सूडालैंड। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। हॉट स्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है जिनके साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है वह क्षेत्र कहलाता है हॉट स्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। इसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में देखने योग्य हो 50 वर्ष तक। इसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित
नीचे और अनुवांशिक भिन्नता की कमी किसी प्रजाति विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रॉड नीच प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटाग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूचियाँ सम्मिलित की जाती है रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट संबंधित है IUCN से। प्राणी समूह जो संगठन जातियों के संपर्क में अंतर्गत आते हैं वह महान भारतीय सारंग कस्तूरी मृग लाल पांडा और एशियाई वन्य जीव गधा। अगला है सोन चिड़ैया भारत का भारतीय सारंग साइबेरियन सारस और सलेटी टिटैरी आदि संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में है जबकि लाल पांडा शामिल है संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्डन ओरियोल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन फेनरेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों से अत्यधिक संकटापन्न किस्म है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यदि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण। सड़कों का विस्तार नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है वह सिक्किम पूर्वी हिमालय के हरिद्वार क्षेत्र में आता है। सिक्किम जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल नीचे। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जयमंडल रिजर्व वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है पर वनस्पति उद्यान है। क्रायो बैंक एक C2 संरक्षण के लिए जो गैस समानता प्रयोग होती है वह है नाइट्रोजन। वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है X2 संरक्षण द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलम दशाएं पाई जाती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर रहता है उच्च वर्षा तथा तापमान। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शांत घाटी कश्मीर सूरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांति घाटी व्यवस्थित है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य में संबंधित है वह केरल। फूलों की घाटी व्यवस्थित है उत्तराखंड में। आदि क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वह चिल्का झील लोकटक केरला देव तथा वुलर झील है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं 26 स्थल हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल में भोज आर्द्र स्थल रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नम भूमि के वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण होता है वो होता है आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र में। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि जैविक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है जिसमें सजीवी शैवालों का मोचन और साथ ही घटित होता है प्रवालों की मृत्यु। ठीक है और जिनमें प्रवाल भित्तियाँ वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कच्छ की खाड़ी तरंदार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रॉसिन ने। और जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है वह मृदा निर्माण मृदा अपरदन की रोकथाम और अपशिष्ट का पुनर्चक्र और सस्य परागण। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है जैव विविधता दशक। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की संख्या स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकी तंत्र और हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं उपयुक्त हैं वह ये विभिन्न तीव्र भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 में चेन्नई में तमिलनाडु में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायता है। यह जैव चोरी को रोकता है देशी और परंपरागत अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA के अनुशंसा के बिना अनुवांशिक जैव संसाधनों से संबंधित
बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। सीबक थोन के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व मशरूत होते हैं। चंगेज खान इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्थिरता को उत्पन्न करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण को बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, भारत सरकार ने सीबक थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है, मरुस्थलीकरण को रोकता है और इसमें पोषक की मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्र में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेम बेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी सीबक थोन पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारण के रूप में एक बुखार के इलाज में दिया जाता है। वह दवा है डिक्लोफिनिक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है जानवरों के दर्द निवारक दवा देना। कुछ वर्ष पहले कुछ गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु एक औषधि। मॉरीशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया है। वह पक्षी था डोडो। मॉरीशस में टंबला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है प्रजनन में असफल रहा है जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वलगुल है चमगादड़। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है वह स्तनधारी मैमल्स। भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधि संरक्षण दिया गया है। अगला है, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत है, कारण इसे समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग वो रिगोंग है जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। वह जाति बहुतायत स्पीसीज रिचनेस स्थानिकता तथा असंख्या बोध वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन सही है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। जैव विविधता पर सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि के पक्षकार की प्रथम बैठक 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। भारत में जैव विविधता सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 फरवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि संबंध है अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। बलुई लवड़ी जैव क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के लिए कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु भारतीय वन्य गधा। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 हुआ था 2012 के मध्य आयोजित हुआ था हैदराबाद भारत में। UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित विकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करने में वन्य पारिस्थितिकी की समर्थनशीलता में तथा गरीबी कम करने में 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जाना जाता है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर जंगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है भीतरकनिका। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है IUCN तथा प्राणीगत एवं वनस्पति जाति की संगठन स्पीसीज के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से बाध्यकार है जो इसमें शामिल हुए हैं लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं ले सकता। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग है
नहीं है राष्ट्रीय संघ का। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र है मतलब टीप नामक पहल के संदर्भ में सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान प्रदर्शन और अपग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। टीप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था। इसका कार्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सिंगपुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस कृष्णग्रीव उड़न गिलहरी हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में और समुद्र तल में 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है चमगादड़ भालू कृंतक में। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी झाड़े की ऋतु में बिताते हैं कहताते हैं शीत निष्क्रियता। गिलहरी छछुंदर चूहे मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं कृतंगगढ़ में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता का सामान्य अधिक होता है निम्नतर उन्नतांशों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर और अंडमान निकोबार द्वीप के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूकास डॉल्फिन व्हेल साल्ट वाटर समुद्री कछुआ समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं स्रू एवं टैपीर। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लो रोरिस। वृक्षों पर रहने वाला वस्तुधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फाल्गेंस है वह रेड पांडा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास एवं संग्रहण के लिए व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र पर स्तर पर कार्य करता है। वह वेटलैंड्स इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो अर्धभूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। और अगला है भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धाड़ी उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम को संरक्षण किया जा सके साथ साथ अनुमति दी जाए अनेक धाड़ी उपयोग की। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या संभावित है। पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्रभूमि उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के वे क्षेत्र कहलाते हैं वे हैं आर्द्रभू क्षेत्र। आर्द्रभू क्षेत्र के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अंकित है गुजरात में। भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि प्रथम स्थान पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टुमार रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है वंदना शिवा जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय। और है हरितगृह प्रवाह एवं जलवायु परिवर्तन। तो वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था क्योटो में और जलवायु परिवर्तन एवं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से यूरोपीय संघ ईयू द्वारा विकसित विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग 2007 में स्थापित की गई थी भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA में। यह लक्ष्यहीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु प्रदान करती है तकनीकी एवं वित्तीय सहायता। कथन है भारत में जलवायु परिवर्तन सामाजिक तनाव बढ़ रहा है कारण है मौसम की चरम दशा की बारम्रता तीव्रता से खाद्य तुरंछा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। दोनों के दोनों सही हैं कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है 0.03%। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं जीवाश्मिक ईंधन
का अधिकाधिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालित संख्या में विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन। वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु वर्ष 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, वह सिंगापुर। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव उद्भिद उत्सर्जन के कारण आसन भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रक्षापन ये तो संभावित स्थान हो सकते हैं। परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्था ने शेष तेल एवं गैस भंडार एवं भूमिगत गंभीर लवड़ी सेल समूह झारखंड राज्य के जलवायु केंद्र स्थापित किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्ययोजना प्रकाशित हुई थी 2013 एवं 14 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है सरायकेला खरसावां। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का क्षय प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन का वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था पेरिस में। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है गैसों का वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से। सही कथन है क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। किसी गैस के अणुओं की दक्षता उन गैसों के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। गैस का वैश्विक तापमान विभव अगला कार्बन डाइऑक्साइड का जल वायुमंडलीय जीवन काल का परिवर्तनीय है जबकि सभी समयावधियों के दौरान उसका वैश्विक तापमान विभव एक पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मेथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापमान विभव पाया गया है 72। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है वह ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है O2 गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। ठीक है, और अगला है प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वह जलवाष्प। वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन। और मई 2011 में वैश्विक विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन हास्य क्रय समझौतों के बारे में सही है। समझौता 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। वह देश जो दुनिया में कार्बन नेगेटिव के रूप में जाना जाता है वह भूटान। वे पदार्थ जो सर्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान देते हैं वह है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है हाइड्रोजन में। और हरित गृह गैस नहीं है नाइट्रोजन। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हिमनद द्रवीभूत होने लगते हैं। समय से पूर्व आम में बौरे आने लगते हैं तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबल तापन में वृद्धि। अगला भूमंडलीय दुश्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड है। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित हुआ था आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड चादर में। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। अगला है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं धान के खेत, कोयले की खान, फालतू पशु अर्धभूमि। मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं अर्धभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है वह कृषि और रखवाली करने वाले पशुओं में से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह मीथेन। मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे की बिजली बंद कर देता है और वह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन पृथ्वी काल कहलाता है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है पृथ्वी आवर।
मतलब अर्थावर 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ 21 मार्च 1994 को। ये सरकार एवं विश्व व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने के परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार संसाधन है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास और क्वाटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है वर्ष 2005 में। जापान के क्याटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्याटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। क्याटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले गैसों के लिए उत्सर्जन में 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था 5.2%। वर्ष 2015 में पेरिस से UNFCCC की बैठक में विकसित देशों में वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता में 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई $100 अरब। विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया अल्जीरिया ब्राजीलिया तथा केन्या में, और GDM के लिए सत्य नहीं है, विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है जो सामने आई थी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, और CO2 उत्सर्जन तथा भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकास संतुलन विकासशील देश को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें, तो वह स्वच्छ विकास युक्ति। अगला है कार्बन जमाओं के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है। क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। NX1 के विकसित देश गैर NX1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं NX1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर NX1 के विकासशील देशों में किया जाता है क्रियान्वित। UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है स्वच्छ विकास युक्ति। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है 1 CER यूनिट। जैव विविधता विषमय का पूरक प्रोटोकॉल और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है क्योटो चुना प्रोटोकॉल, और अनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। सही सम्मेलित है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 5+5 हुआ था 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट क्रय विक्रय विक्रय किया जाता है उनके वर्तमान बाजार के मूल्य के अनुसार। कार्बन क्रेडिट का डिस्कोर्स शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में का बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप है विश्व बैंक द्वारा का प्रबंध किया जाता है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। यह कोषीय स्थलीय क्षेत्र में कमी करके बढ़ावा देता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। यह सरकार व्यवसाय नागरिक समाज और देसी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। देशों की उनके अनुन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी वन कार्बन भागीदारी सुविधा बैंक विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ था जून 2008 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर होगा। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा तथा विस्तृत प्रवाल भत्ता घटित होगी। तो है IPCC द्वारा प्रकाशित एसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरित हो जाएगी 1/6 भाग। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी यह 30% तक ज्ञात प्रजातियां। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई थी 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।